ने प्रसिद्ध गायिका और भारत रत्न लता मंगेशकर के नाम पर प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय संगीत महाविद्यालय और संग्रहालय के लिए मुंबई विश्वविद्यालय के कलीना परिसर में 7000 वर्ग मीटर का भूखंड आवंटित किया है। राज्य के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की ओर से सोमवार को इस आशय का आदेश जारी किया गया। भूमि उपनगरीय कलेक्ट्रेट को सौंपी जाएगी, जो इसे कला निदेशालय को सौंपने का प्रस्ताव करेगी। राज्य सरकार ने कलीना परिसर में एक अंतर्राष्ट्रीय संगीत महाविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है। प्रस्तावित संस्थान को भारत रत्न लता दीनानाथ मंगेशकर इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ म्यूजिक एंड म्यूजियम के नाम से जाना जाएगा। पुस्तकालय निदेशालय के पास कलीना परिसर में एक केंद्रीय पुस्तकालय स्थापित करने के लिए 16188 वर्ग मीटर का एक भूखंड है, जिसमें से राज्य सरकार ने संगीत और संग्रहालय के अंतर्राष्ट्रीय कॉलेज के लिए 7000 वर्ग मीटर आवंटित करने का निर्णय लिया है। एक सरकारी प्रस्ताव में कहा गया है कि पुस्तकालय निदेशालय को भारत रत्न लता दीनानाथ मंगेशकर इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ म्यूजिक और भारत रत्न लता दीनानाथ मंगेशकर संग्रहालय कलीना कैंपस में विकसित करने के लिए उपनगरीय जिला कलेक्ट्रेट को 7000 वर्ग मीटर का खुला प्लॉट सौंपने का निर्देश दिया गया है। हिंदुस्तान टाइम सोमवार को विभाग के प्रमुख सचिव विकास रस्तोगी ने कहा कि हृदयनाथ मंगेशकर की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, जो उन्हें अंतर्राष्ट्रीय कॉलेज का एक विचार देगी। नागपुर इज फेमस फॉर संतरे, टाइगर, जीरो माइल और सावजी खाना, और सावजी खाने को उसका असली स्वाद देते हैं सावजी मसाले, जिससे बनता है ऑथेंटिक सावजी खाना। मसालों में मसाले अहिरकर ग्रुप के सावजी मसाले।